शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। भाजपा के ज्येष्ठ नगर सेवक दयाशंकर तिवारी ने मनपा के अधिकारी डॉक्टर प्रवीण घंटावार के विरुद्ध और सबूत मीडिया के सामने लाए हैं। तिवारी का कहना है कि ये सभी कागजात आयुक्त के पास भी है, मगर क्या बात है कि वे डॉक्टर घंटावार पर कार्रवाई नहीं कर रहे। हाल ही में हुए मनपा के आम सभा में नगर सेवक दयाशंकर तिवारी ने मनपा के वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर प्रवीण घंटावार और उनकी पत्नी डॉक्टर शीलू घंटावार के विषय पर सभागृह में भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने इन दोनों के खिलाफ काफी कागजात सभा के सामने रखे। इसी को देख महापौर संदीप जोशी इन दोनों को निलंबित करने के आदेश भी दिए थे, मगर अभी तक घंटावार पति पत्नी पर कोई भी कार्रवाई न होने की बात तिवारी ने पत्र परिषद में बताई। उन्होंने कहा कि घंटावार के खिलाफ इसके पहले भी मामले सामने आए थे। 14 फरवरी को शहर में मदनमूल नामक व्यक्ति ने घंटावार के खिलाफ सारे सबूत आयुक्त को दिए हैं। वही कागजात मैं आपको दिखा रहा हूं। घंटावार की पत्नी यमनपा में काम करते हुए खुद का अस्पताल चला रही है। वही दूसरी ओर डॉक्टर घंटावार इस अस्पताल के मालक है, ये नियमों के खिलाफ है। साथ ही शासकीय काम पर रहने के बाद वो व्यक्ति राजनीति में नहीं जा सकता, मगर मिसेज घंटावार ने कांग्रेस से बैतूल के लिए विधानसभा की टिकट मांगी थी। वहां पक्ष के सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहती है, साथ ही पदों पर भी, ये भी नियमों के खिलाफ है। इतना होने के बावजूद और महापौर के आदेश के बाद भी आयुक्त तुकाराम मुंडे इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये सवाल उन्होंने किया। दयाशंकर तिवारी ने मांग की है कि आयुक्त को महापौर के आदेश का पालन नहीं करना हो तो उन्हें जो धूल इन्होंने कागजात दिए है उन पर ही कार्रवाई करे। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हम जनता में जाकर आंदोलन करेंगे, ऐसा इशारा भी तिवारी इन्होंने दिया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपुर। इनके ऊपर सारे नगर सेवक का रोष था और सारे सबूत इकट्ठा करके माननीय महापौर जी को दिए, उसके बाद में भी माननीय आयुक्त महोदय ने उनका निलंबन नहीं किया। सारे नगर सेवक ने तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित करना चाहिए, इस प्रकार से मांग उठाई और माननीय महापौर जी ने उनको तुरंत निलंबित करने का आदेश दिया था। लेकिन आज 7-8 दिन हो रहे हैं, अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। कल परसों एसीबी ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, उसके बाद में भी आज 24 घंटे होने के बाद भी आयुक्त ने उस पर कार्रवाई नहीं की। 14 फरवरी को मदन थुन नाम का नागपुर शहर का एक सामाजिक कार्यकर्ता आयुक्त महोदय के पास वे सारे कागज लेकर के गया और आयुक्त महोदय जी के कार्यालय में सारे दस्तावेज देकर के आए। आयुक्त महोदय जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि सुनवाई के लिए उसको हमने 9 मार्च को बुलाया था, लेकिन वो 9 मार्च को नागपुर में नहीं चंद्रपुर में होने के कारण सुनवाई के लिए आ नहीं सका और उसके पश्चात हमारे यहाँ लॉकडाउन होने के कारण हम आगे कार्रवाई नहीं कर सके। बेचारा हमारा वो जो साथी था मदन थुल, दुर्भाग्यवश वो इस दुनिया में नहीं रहा, हमारा साथ छोड़ करके चला गया। अन्यथा हमें पता चलता कि आयुक्त सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आयुक्त महोदय के कार्यालय में सारे दस्तावेज होने के बावजूद अगर आयुक्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो डॉक्टर घंटावार जी के साथ में आयुक्त महोदय की कौन सी साठगांठ है, यह प्रश्न उठना नैसर्गिक रूप से लाजमी है। डॉक्टर घंटावार के ऊपर आरोप लगे हैं कि डॉक्टर घंटावार की पत्नी महानगर पालिका के दवाखाने में उपलब्ध नहीं रहती है और उपलब्ध ना रहते हुए वह अपनी हाजिरी वहाँ लगवा लेती है और हाजिरी लगवाने के बाद में उसका पेमेंट उठाती है। अब महानगर पालिका ने कुछ रजिस्टर जब्त किए हैं, मस्टर के 1 साल का रजिस्टर जब्त हुआ है, बाकी वहाँ से नहीं मिला है। समिति विभाग में ऐसा कहा गया, अब समिति विभाग से मस्टर को महानगर पालिका अपने अधिकृत लेना चाहती है। मैं केवल आपको विशेष रूप से एक बात की जानकारी देना चाहता हूँ कि हमने 3 बातों पर डॉक्टर घंटावार पर कार्रवाई करने की मांग करी।